अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 25 से 30 वर्ष से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने से दैनिक जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 9 नवंबर 2023 को शासन द्वारा एक शासन निर्देश जारी किया गया, जिसमें 1993 से अधीनस्थ कार्यरत राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएँ समाप्त कर दी गई। सेवा बहाली के लिए तदर्थ शिक्षकों ने संघर्ष समिति के संरक्षक रमेश प्रताप सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अगुवाई में भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक शिशचंद शर्मा आदि तमाम माननीयों के दरवाजे पर माथा टेकने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। तो अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रभु श्री रामलला के दरबार में सेवा बहाली के लिए अर्जी लगाई और उसी के क्रम में आज तदर्थ शिक्षकों ने रॉयल होटल से कतारबद्ध होकर शांतिपूर्वक जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद, जो राम को लाए हैं वो हमें बचाएंगे आदि का नारा लगाते हुए शिक्षा निदेशालय पहुंचकर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को सेवा बहाली का ज्ञापन सौंपा। शिक्षा निदेशक ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी बातें को शासन तक अवश्य पहुंचाएंगे, बाकी निर्णय लेना सरकार और शासन के हाथ में है। संघर्ष समिति के संरक्षक रमेश प्रताप सिंह का कहना है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी तदर्थ शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि किसी भी तदर्थ शिक्षक का अहित नहीं होगा और हम सभी तदर्थ शिक्षकों को पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बहाल करेंगे। रविंद्र सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीट जीत रही है। प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सदन में वचन दिया था कि एक भी तदर्थ शिक्षक बाहर नहीं जाएगा और हम सभी लोगों को पूरा भरोसा है कि वह अपना वचन निभाएंगे और हमारी सभी सेवाएं और सम्मान हमें वापस मिलेगा। शिक्षक संघर्ष समिति का संघर्ष जारी है, सेवा का आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें पदयात्रा भी कर रहे हैं अपनी सेवा पाने के लिए, अपनी जो आपकी नौकरियां थी उनको फिर से बहाली के लिए क्या कहेंगे आप? फिर से इस संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। संघर्ष की शुरुआत पुनः इसलिए हुई है कि सरकार ने 9 नवंबर 2023 को हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। सेवाओं की पुनः बहाली के लिए ये उत्तर प्रदेश के लगभग 35 जनपदों के तदर्थ शिक्षक हैं जो 30 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं और सरकार की संपूर्ण परिलब्धियों के साथ नवंबर 2023 तक ये आच्छादित थे और कार्य कर रहे थे। उसके बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, इनको घर बैठा दिया गया। आज माध्यमिक बोर्ड की हाई स्कूल माध्यमिक की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की हैं और ये जो शिक्षक हैं जिनकी संख्या 2000 के लगभग है इनको बाहर कर दिया गया है। आज ये रोड पर हैं, ना इनसे ड्यूटी ली जा रही है, ना कोई कार्य लिया जा रहा है, ना इनको वेतन लिया दिया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी लंबी सेवाओं को देखते हुए हमें पुनः सेवा में लिया जाए और हमारी सेवा को बहाल किया जाए, यही हमारी मांग है। पदयात्रा जो आप लोग कर रहे हैं वो कहां से कहां तक की पदयात्रा करी जा रही है? ये रॉयल होटल से लेकर के और निदेशालय तक कि हमने पदयात्रा की और अयोध्या में 20 तारीख को भगवान श्री राम लला के दरबार में हमने अर्जी लगाई थी और वह अर्जी माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित थी, क्योंकि सरकार वहीं से ऊर्जा पाती है, हो सकता है हमारी बात सुने, उनके कान तक जाए, जूरेंगे, इसलिए हमने अर्जी वहां लगाई। 24 तारीख को तदर्थ संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मंदिर में हम वहां एक अर्जी लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित करते हुए उनके मंदिर में कि हम तदर्थ शिक्षकों को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि संपूर्ण तदर्थ शिक्षकों की ज़्यादा तदर्थ शिक्षक जो है उनकी एज 50
के अब सब हैं, उससे ज़्यादा भी 58 और 55 के भी लोग पहुंच चुके हैं। कम सेवाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हमारी सेवाओं को देखते हुए हमको पुनः बहाल कर दिया जाए, इसलिए 24 तारीख को हम वहाँ अर्जी लगाएंगे गोरखपुर। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आगे भी इसी तरीके का आपका संघर्ष जारी रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनावों को भी जल्दी होने वाला है शुरुआत, तो तब क्या करेंगे? हम लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया होती है हम उसका अनुपालन करेंगे। चैनल देशप्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।